Hello students, welcome to my channel. I'm Dr. Vineeta Negi, making math learning easy and simple for you. आज का टॉपिक है एनालिटिक फंक्शंस. हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, x plus iy. हम एक नए फंक्शन w is equal to f z की बात कर रहे हैं, जहां ये z क्या है, z is equal to x plus iy कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो ये w is equal to f z किस तरीके से है, इस W को मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ समथिंग U प्लस आई वी. ये W भी अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर है. एंड दिस U इज फंक्शन इन X एंड Y, दिस V इज ऑल्सो अ फंक्शन इन X एंड Y. मीन्स यहां से मैं कह सकती हूँ दिस W इज इक्वल टू U एक्स वाई प्लस आई वी एक्स y, and this is the function fz. अब यहाँ पे हम जो स्टडी कर रहे हैं fz फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं, जहाँ z क्या है, x plus iy की कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो ये जो w फंक्शन डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे जो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट्स हैं, x एंड y के फंक्शंस हैं, ठीक है. तो ये u एंड v फंक्शंस हैं x एंड y के. अगर ये w रिप्रेजेंट करता है वन वैल्यू फॉर ईच z, अगर ये w हर एक z के लिए एक ही वैल्यू डिनोट करता है, तो तब हम इस w को कहते हैं दैट इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन. एंड अगर w रिप्रेजेंट करता है टू और मोर देन टू वैल्यूज, दैट इज मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन. तो यहाँ आप जो स्टडी कर रहे हैं एक W टाइप के, W इज इक्वल टू एफ जेड टाइप के फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं. एंड जहां Z रिप्रेजेंट कर रहा है X प्लस आई वाई, इट मीन्स जो W फंक्शन है, यहाँ पे रियल एंड इमेजिनरी जो भी पार्ट्स हैं, वो U एंड V में जो वैल्यूज हैं, वो X एंड Y के ही फंक्शंस हैं. और अगर आपका W वन वैल्यू डिनोट कर रहा है Z के लिए, तो वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है. अगर आपका W टू और मोर देन टू वैल्यूज डिनोट कर रहा है, तो हम इसे कहेंगे मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन ऑफ दिस z. तो w इज इक्वल टू fz को हम एनालिटिक कब कहेंगे. फॉर दिस, अगर w इज इक्वल टू fz एनालिटिक है, इट मींस ये वाला फंक्शन इस तरह से कोई फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है एट ईच पॉइंट, तब हम इस fz को एनालिटिक फंक्शन कहेंगे. तो इसकी डेफिनेशन मिलती है हमें यहां से. तो एनालिटिक फंक्शन मीन्स हमारे पास जो फंक्शन एफ जेड है, इसको हम एनालिटिक कहेंगे. अगर आपके पास कोई रीजन आर है, इस रीजन आर के जितने भी पॉइंट्स हैं, इसके हर एक पॉइंट पर इस फंक्शन के डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि दिस फंक्शन इज एनालिटिक फॉर दैट रीजन. सपोज, तो इस रीजन आर में कोई भी मैं अगर पॉइंट डिनोट करती हूँ, इन सारे पॉइंट पर एफ जेड के लिए मुझे डेरिवेटिव्स मिल जाते हैं, एफ डैश जेड की वैल्यू मुझे कुछ ना कुछ मिल जाती है. मींस मैं कहूंगी कि ये एफ जेड फंक्शन इस आर रीजन के लिए एनालिटिक है. और इसको मैं इस तरीके से भी कह सकती हूँ कि फंक्शन एफ जेड इज होलोमॉर्फिक इन दैट रीजन आर. जो भी आपका रीजन आर है एंड इस R रीजन के लिए आपका फंक्शन fz अगर एनालिटिक है, तो मैं इसको डिनोट कर सकती हूँ दिस फंक्शन fz इज होलोमॉर्फिक इन दैट रीजन R. इस रीजन R के लिए आपका फंक्शन fz होलोमॉर्फिक कहलाएगा. ओके, तो ये तो था एनालिटिक फंक्शन. अब हम किसी फंक्शन fz के लिए वो नेसेसरी कंडीशन कैसे डिनोट करेंगे टू बी एनालिटिक. तो यहाँ पे एक नेसेसरी कंडीशन होती है, एंड ये एक थ्योरम है जिसका स्टेटमेंट है आपके पास कोई फंक्शन एफ जेड आपका इस तरीके से है दैट यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई, यू एंड वी एक्स एंड वाई में फंक्शंस हैं. दिस एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई. किसी भी पॉइंट जेड पर ये आपका एफ जेड फंक्शन डिफरेंशिएबल है. तो जो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं यू एक्स वी एक्स यू वाई वी वाई, मीन्स u को x एंड y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया पार्शियली, एंड v को x एंड y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया, तो ये सारी वैल्यूज हमें मिलनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए. एंड सेकेंडली,
ये सेटिस्फाई करेगा दिस यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो हम इस फंक्शन एफ जेड को कहेंगे दिस इज एनालिटिक फंक्शन। एंड ये जो नेसेसरी कंडीशन है इसको हम कॉशी रीमान इक्वेशन भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सी आर इक्वेशन कह दें या कॉची रीमान इक्वेशन फॉर एनी फंक्शन एफ जेड टू बी एनालिटिक। तो अगर आपका फंक्शन सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है इट मीन्स आपका फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है। देखिए इसे प्रूव कैसे करें। हमने w इज इक्वल टू एफ जेड कोई फंक्शन ले लिया एंड ए फंक्शन किस तरह से गिवन है दिस u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x एंड y। यहाँ पे आपको ये गिवन है कि z आपका क्या है x प्लस आई वाई है। तो अगर z आपका x प्लस आई वाई है तो मैं डेल्टा z डिनोट कर सकती हूँ डेल्टा x प्लस आई डेल्टा y के अकॉर्डिंग। z में चेंज हो रहा है मीन्स x एंड y दोनों में चेंज हो रहा है। तो x डेल्टा x के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है y डेल्टा y के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। यहां पे हमें गिवन क्या है गिवन ये है कि दिस फंक्शन एफ जेड दिस इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट z मींस ये आपका फंक्शन एफ जेड कैसा है एनालिटिक फंक्शन है। ओके क्योंकि हर एक पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल है तो आपका फंक्शन एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है। अब अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है मींस मैं एफ डैश z की वैल्यू डिनोट कर सकती हूँ एंड f डैश z की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे लिमिट डेल्टा z टेंस टू जीरो f z प्लस डेल्टा z माइनस f z अपॉन z प्लस डेल्टा z माइनस z मींस ये वैल्यू मिल जाएगी डेल्टा z। ये मैं कहाँ से लिख रही हूँ डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। किसी फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन डिनोट करते हैं दिस एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। ओके अब यहाँ पे हमें जेड की वैल्यू गिवन है एक्स प्लस आई वाई एंड डेल्टा जेड को हमने किस तरह से डिनोट किया डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई एंड जो हमारा फंक्शन है डब्ल्यू दिस डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड एंड एफ जेड क्या है u प्लस iv। अगर मैं इन शॉर्ट लिखूं दिस एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। सो डेल्टा w को मैं कैसे डिनोट कर सकती हूँ दिस डेल्टा w इज इक्वल टू डेल्टा u प्लस i डेल्टा v। तो डेल्टा w की वैल्यू क्या मिल गई मुझे डेल्टा u प्लस i डेल्टा v। दिस f डैश z इज इक्वल टू d बाय dz ऑफ एफ जेड और d बाय dz ऑफ दिस w। सो एफ डैश जेड की वैल्यू क्या मिली मुझे यहां से लिमिट डेल्टा z टेंस टू जीरो डेल्टा u प्लस आई डेल्टा v अपॉन डेल्टा z। तो हमने क्या किया जो ये वैल्यू थी एफ जेड प्लस डेल्टा z माइनस एफ जेड इसको हमने डिनोट कर दिया dw अपॉन dz के अकॉर्डिंग एंड वैल्यू हमें मिल गई f dash z is equal to limit delta z tends to 0 delta u plus i delta v upon delta z। और इसे मैं डिनोट कर सकती हूँ लिमिट अगर मैं इसे सेपरेट कर दूं डेल्टा x प्लस i डेल्टा y दिस टेंस टू 0 डेल्टा u प्लस i डेल्टा v अपॉन डेल्टा x प्लस i डेल्टा y f dash z की वैल्यू मिल गई। अब हमारे पास इस तरह से कर्व है दिस इज ओ एंड ये है आपका एक्स एक्सिस ये है आपका वाई एक्सिस। सपोज ये कोई पॉइंट है आपका जेड जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स प्लस आई वाई की तरह जहां एक्स क्या है आपका रियल लाइन वाई है इमेजिनरी पार्ट। तो जब हम बात कर रहे हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस मीन्स हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो यहां पे क्या होना चाहिए डेल्टा वाई इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए क्योंकि y आपका क्या है फिक्स है इस पूरी लाइन के लिए y आपका फिक्स है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो हमारा f डैश z आएगा लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो ये डेल्टा y आपका क्या हो गया जीरो हो गया तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा डेल्टा u प्लस i डेल्टा v अपॉन डेल्टा x एंड इसी को मैंने डिनोट कर दिया f डैश z इज इक्वल टू अगर मैं इसे सेपरेट कर दूं लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो डेल u अपॉन डेल x प्लस
iota limit delta x tends to 0 delta v upon del x. So this f dash z is equal to limit delta x tends to 0 delta u upon delta x. Ye kya mil gaya? U ko partially differentiate kiya with respect to x plus iota aapka fix hai. And again this define this limit delta x tends to 0 del v upon del x means humne v ko x ke respect mein partially differentiate kiya. This is equation number 1. Ab main baat kar rahi hu parallel to y axis. Parallel to y axis means hum baat kya kar rahe hain ab x axis ki. Yahan pe aapka x point fix hai for this line. Means ab delta x ki value hai 0 kyunki x mein koi change nahi ho raha. Yahan se mujhe f dash z ki value mil jayegi limit delta y tends to 0 delta u plus I delta V upon यहाँ पे मिल जाएगा value delta V. मेरी जो equation थी तो यहाँ जब मैंने delta x tends to 0 put किया तो मुझे मिल गया limit delta y tends to 0 जो ये iota था ये as it is है and delta u plus I delta V upon delta x 0 हो गया. तो यहाँ से मुझे similarly एक equation मिल गई if this limit y tends to, अगर मैं इसको separate कर दूँ real and imaginary parts तो क्या हो जाएगा limit delta y tends to 0 delta u upon I delta y plus iota limit delta v upon iota delta y. तो अगर मैं इसे simplify करूं तो ये iota cancel आपको value मिल गई यहां से. Limit delta y tends to 0 del u upon del y. It means del u upon I del y प्लस तो ये i आपका क्रॉस हो गया यहां से मुझे वैल्यू मिल गई डेल v अपॉन डेल y. तो ये जो i है इसको रिमूव करने के लिए मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देती हूं iota से. तो यहां से मुझे f डैश z की वैल्यू मिल गई. तो यहां पे जो डिनोमिनेटर में iota है इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो दिस iota into iota दैट इज i स्क्वायर मींस माइनस i डेल u अपॉन डेल y प्लस del v upon del y. This is equation number 2. दो equation क्या मिली हमें? ये मेरी equation 1 है, ये मेरी equation 2 है. हम कह रहे हैं कि आपका function analytic है. तो ये दोनों values आपको क्या होनी चाहिए? Same मिलनी चाहिए? क्योंकि limit delta z tends to 0 del f upon del z unique होना चाहिए. क्यों? आपका function क्या है? आपका function differentiable है. हर एक पॉइंट पे तो डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए. तो इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करें एंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करें. आई कैन राइट दिस डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y. ओके एंड इमेजिनरी पार्ट डेल v अपॉन डेल x इज इक्वल टू माइनस डेल u अपॉन डेल y या फिर मैं इसे डिनोट कर सकती हूँ ux इज इक्वल टू vy एंड द सेकंड इक्वेशन इज vx इज इक्वल टू माइनस uy. तो थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें ux vy vx uy ये सारी वैल्यूज मिल रही हैं एग्जिस्ट कर रही हैं एंड this ux is equal to vy and this vx is equal to minus uy. लेकिन ये कब है? अगर आपका function fz differentiable है at every point. अगर आपका function analytic है तो वो ये equation means this CR equation Cauchy Riemann equation है इसको ये वाला function fz function satisfy करेगा. ओके तो कोई भी फंक्शन fz अगर एनालिटिक है तो वो CR इक्वेशन को Cauchy Riemann इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो इस तरीके से हम किसी फंक्शन fz के लिए अगर वो फंक्शन एनालिटिक है Cauchy Riemann इक्वेशन को डिनोट करते हैं. तो इस पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स देखें. अब क्वेश्चन है आपके पास fz is equal to mod z ये फंक्शन गिवन है इसके लिए आपको बताना है कि ये fz एनालिटिक है या नहीं. आपके पास जो w फंक्शन होता है दैट इज इक्वल टू fz यहां पे जो ये fz फंक्शन है दैट इज mod z एंड वी नो दैट mod z मींस
under root x square plus y square, जहां z is equal to x plus iy given है, तो mod z क्या होता है? Under root x square plus y square, जो w function है, this w I can write in a manner u plus iv. अब यहां पे real part तो है, imaginary नहीं है, so मैं लिख देती हूं इसे i into 0, क्योंकि मुझे real को real से compare करना है, तो मुझे real value मिल जाएगी, means u की value क्या मिल गई? Under root x square plus y square. इसी तरीके से अब imaginary value को imaginary value से compare करना है, यहां से मुझे v 0 मिल गया, अब u मिल गया, v मिल गया. अब अगर Cauchy Riemann equation, CR equation satisfy कर देता है ये function, तो हम कहेंगे कि that is analytic, otherwise not. तो पहले हम निकालते हैं ux. तो ux में find करना है, x के respect में partially differentiate करना है, y आपका constant रहेगा, तो ये आ जाएगा 1 by 2, x square plus y square power minus half हो जाएगा, so ये denominator में आ गया x square plus y square, and again x square का होगा that is 2x, y आपका constant है, तो value क्या मिल गया आपको ux की, यहां से x upon under root x square plus y square, ux की value मिल गई. अब हम v के according देखें, अब Cauchy Riemann के according होना क्या चाहिए, ux is equal to vy होना चाहिए, and v आपका क्या है, 0 है, तो इसको differentiate करेंगे तो आपको value क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, means आपका ux means x upon under root x square plus y square, इसकी value क्या मिलनी चाहिए, 0 मिलनी चाहिए, means आपको क्या मिला यहां से, x is equal to 0, and x is equal to 0 है, लेकिन y आपका 0 नहीं है, equation 1 के according, okay, find out करते हैं अब u, y की value, अब हम इस u function को y के respect में differentiate करते हैं, तो similarly हमें यहां पे मिल जाएगा y upon under root x square plus y square, and यहां पे v is equal to 0 है, तो अगर मैं v को differentiate करूं y के respect में, तो भी मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो again equation हमारी थी minus uy is equal to vx, okay, ये हमारी equation second थी, तो इसके according क्या मिला मुझे, minus y upon under root x square plus y square, this should be equal to 0, यहां से y की value मिलेगी हमें 0, but आपका x क्या होना चाहिए, non-zero होना चाहिए, एक तो आपको मिल रहा है x is equal to 0, y is not equal to 0, एक आपको मिल रहा है y is equal to 0, x is not equal to 0, तो ये दोनों condition fulfill एक साथ नहीं हो सकती है, so we will write here both the condition, this one and this one does not satisfy together, it means CR equations does not satisfy. तो अगर हमारी Cauchy Riemann equations satisfy नहीं हो रही है, तो हमारा function जो fz given था हमें, this fz is equal to mod z is not analytic. Function analytic नहीं है, क्योंकि इसने CR equations satisfy नहीं करी. Okay, similarly हम दूसरा question देखें यहाँ पे, तो यहां पर आपके पास गिवन है फंक्शन fz रियल पार्ट ऑफ z, इसके लिए हमें बताना है कि ये एनालिटिक है या नहीं, तो फंक्शन आपके पास रियल z गिवन है, मींस तो w आपको क्या गिवन है, दिस w इज इक्वल टू fz एंड दिस fz इज इक्वल टू रियल ऑफ z, z क्या है आपका x plus iy एंड इसका रियल पार्ट क्या है x, मींस आपको w क्या मिला, दिस w इज इक्वल टू x, या ये w क्या है हमारे पास u plus iv type का, u plus iv is equal to x plus i into 0, again मैं से इस तरह से लिखूं, यहां से मुझे u क्या मिल गया, x, and v मुझे मिल गया, 0, तो u को मैंने x के respect में differentiate किया, तो मुझे value क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, and v मेरा 0 है, इसको मैं differentiate करूं y के respect में ही, तो मुझे क्या मिलेगा, 0, so ux is not equal to vy, it means fz is equal to real part of z is not analytic, real part of z that is not analytic. इसी तरह एक और question हम ले, question given है हमारे पास fz is equal to some constant k, ये analytic होगा या नहीं, आपके पास जो w function given है that is equal to k, and w क्या होता है u plus iv, and u plus iv is equal to k plus again i into 0, यहां से मुझे u मिल गया k constant and v मिल गया 0, comparing real and imaginary parts. अब देखिए ux, x के respect में मैं k को differentiate करूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, 0, and v already 0 है, तो इसको y के respect में मैं differentiation करने के बाद 0 ही मिल रहा है. अब अगर मैं u function को y के respect में differentiate करूं,
k क्या है, कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट किया तो आपको क्या वैल्यू मिली, जीरो मिली। एंड v फंक्शन को अगर मैं x के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करने पर मुझे क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। तो यहां से कंक्लूजन क्या मिला, यहां से मैं कह सकती हूं दिस ux इज इक्वल टू vy एंड यहां से vx इज इक्वल टू माइनस uy, जीरो इज आल्सो इक्वल टू माइनस जीरो। ओके, सो Cauchy Riemann इक्वेशंस बोथ सेटिस्फाई हो गई। अगर आपकी CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर ली इस फंक्शन k ने, तो हम कह सकते हैं दिस फंक्शन fz इज एनालिटिक एवरीवेयर। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी फंक्शन fz है, एनालिटिक अगर आपको डिनोट करने के लिए Cauchy Riemann इक्वेशन ux इज इक्वल टू vy एंड vx इज इक्वल टू माइनस uy डिनोट करनी पड़ेगी। मींस अगर कोई फंक्शन ये दोनों इक्वेशंस डिनोट करता है, सेटिस्फाई करता है, तो डेफिनेटली वो फंक्शन आपका एनालिटिक होगा। तो किसी फंक्शन को एनालिटिक बताने के लिए, प्रूव करने के लिए हमें Cauchy Riemann इक्वेशन CR इक्वेशन उस फंक्शन के अकॉर्डिंग डिनोट करनी है। अगर वो फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है वो इक्वेशंस, तो ही आपका फंक्शन एनालिटिक होगा। तो यहां ये CR इक्वेशन हेल्प करती है किसी भी फंक्शन fz को एनालिटिक डिनोट करने के लिए। विद द हेल्प ऑफ Cauchy Riemann इक्वेशन किसी भी फंक्शन fz को हम एनालिटिक डिनोट कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।